एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज का जो वीडियो है मेरे यूजुअल वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना वर्कआउट रूटीन, और मैं वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाती हूँ ये भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करिए, सो हेयर इट इज। एंड प्लीज इग्नोर दीज बिग रेड स्पॉट्स ऑन माई चीक्स। मुझे फीवर है, कोल्ड है, और मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी जो रिएक्ट कर गई और एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से ये रेडनेस आ गई मेरे दोनों चीक पर, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी आ गई है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो कैमरे में। सो प्लीज इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन द कंटेंट, इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जितना इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अपने वर्कआउट के पहले और अपने वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो सुबह वर्कआउट करते हैं ब्रेकफास्ट के पहले, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप कभी भी खाली पेट वर्कआउट ना करें, और ना ही कभी भी बहुत हैवी स्टमक के साथ, बहुत फुल स्टमक के साथ वर्कआउट करें। अगर आपने खाना खा लिया है तो अपने वर्कआउट और खाने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रखें। और अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं ब्रेकफास्ट के पहले, तो हमेशा कुछ हल्का फुल्का, जैसे कि एक फ्रूट हो गया, उसके साथ में ग्रीन टी हो गई, या फिर कुछ नट्स हो गया, बादाम और अखरोट, और उसके साथ में ग्रीन टी हो गई, वो खा के उसके बाद ही आप वर्कआउट करें। क्योंकि आप 7-8 घंटे की नींद लेते हैं और तब तक हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं जाता है, और उठते ही आपको वर्कआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमेशा कुछ हल्का खाएं, फ्रूट्स, नट्स, ग्रीन टी, और उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट का गैप दें और फिर वर्कआउट करें। मैं जनरली सुबह वर्कआउट नहीं कर पाती क्योंकि मुझे वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता सुबह, क्योंकि मुझे रात को सोते सोते बहुत देर हो जाती, लगभग 1-1.5 बज जाते हैं। तो सुबह मैं उठती हूँ 8 बजे के आसपास, तो मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता वर्कआउट करने का। बाकी भी घर के काम होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो मैं वर्कआउट सुबह नहीं करती, मैं शाम को वर्कआउट करती हूँ। और जो मेरा वर्कआउट करने का टाइम है वो है लगभग शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक, जिसमें मैं दो चीज़ें इंक्लूड करती हूँ। पहले तो मैं घर पे सिंपल एक्सरसाइजेस करती हूँ, सिंपल बेसिक पोस्चर जो हमें स्कूल वगैरह में सिखाए जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा स्क्वाट्स एंड प्लैंक्स, ये सब। और बाकी के 45 मिनट्स मैं ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ। ब्रिस्क वॉकिंग से मेरा मतलब है कि मेरी स्पीड इतनी होती है कि मैं 45 मिनट्स में लगभग 4 किलोमीटर तक वॉक कर लेती हूँ। तो इतनी स्पीड से मैं वॉक करती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो शूट करी क्योंकि मैं खाली थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो जल्दी शूट कर लेती हूँ, लाइटिंग थोड़ी अच्छी होगी क्योंकि अभी सनसेट नहीं हुआ है, और वर्कआउट भी थोड़ा जल्दी कर लूँगी, खाली हो जाऊँगी जल्दी। तो वर्कआउट के पहले मैं दो चीज़ें खाती हूँ 6 बजे के आसपास, जो मेरा शाम का नाश्ता होता है, स्नैक होता है, उसमें मैं दो ऑप्शंस रखती हूँ। पहला होता है एक फ्रूट, बेसिकली एप्पल, और उसके साथ में ग्रीन टी और 3 से 4 बादाम। अगर मैंने सुबह फ्रूट खा लिया है ब्रेकफास्ट में या ब्रेकफास्ट के बाद, तो सेकेंड ऑप्शन मेरा होता है रोस्टेड चना और उसके साथ में ग्रीन टी। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। आज है मेरे पास ये रोस्टेड चने और ये ग्रीन टी, क्योंकि मैंने आज सुबह एप्पल खा लिया था, तो आज मैं खा रही हूँ ये रोस्टेड चने और उसके साथ में मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। और ये लेने के 15 से 20 मिनट के बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। तो मैं अपना नाश्ता खत्म कर लेती हूँ, स्नैक खत्म कर लेती हूँ, और उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने वर्कआउट में क्या क्या एक्सरसाइज इंक्लूड करती हूँ।
तो मेरा वर्कआउट हो चुका है, मैंने लगभग 40 मिनट्स का वर्कआउट घर पे किया और उसके बाद मैं 45 मिनट्स से लगभग 50 मिनट टहल के आई हूँ आज। और वर्कआउट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वर्कआउट के बाद आप कुछ क्विक ऐसी चीज़ लें जिससे आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिले, और वो बेसिकली प्रोटीन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं लगभग 8:30 तक घर आती हूँ अपना ब्रिस्क वॉकिंग करके, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह जाती कि मैं कुछ बनाऊँ, क्योंकि उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना होता है। तो मैं पीती हूँ प्रोटीन पाउडर पानी में मिक्स करके। अगर आपको PCOD या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो आप दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं, लेकिन मैं पानी में मिक्स करके पीती हूँ। और मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे ये OZiva का प्रोटीन पाउडर। इसके बारे में मैंने अपने एक और वीडियो में बात की थी जो हेयर केयर रिलेटेड था, तो मैं ये वाला प्रोटीन पाउडर यूज़ करती हूँ जो स्पेशली वुमेन के लिए है। और इस प्रोटीन पाउडर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं पहले ही बता दूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसे यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रोटीन पाउडर की सबसे अच्छी बात है कि ये वीगन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये सोया फ्री है और ग्लूटेन फ्री है, तो जिनको जैसे कि मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर PCOD है, वो बिना किसी डाउट के ये वाला प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकती हैं। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ऑलरेडी मल्टी विटामिन्स हैं, तो अगर आप ये प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो आपको अलग से मल्टी विटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं कैसे लेती हूँ, मैं लेती हूँ लगभग इतना पानी, लगभग ये 300 ml पानी है, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। और उसमें मैं डालती हूँ इस प्रोटीन पाउडर का 1 scoop। तो इसमें स्कूप वगैरह सब दिया हुआ है, तो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो जिनको PCOD की प्रॉब्लम है या फिर जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनकी जो डाइट है वो प्रोटीन रिच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा घर का खाना नॉर्मल खाना होता है उससे हमारा प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है, स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से विटामिन्स है, क्या क्या है इसमें। जो है अमीनो एसिड्स है, जिसे हम BCAA भी कहते हैं, इसमें वो भी है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ मैं PCOS के लिए डाइट प्लान का लिंक भी नीचे दे दूंगी, इन केस आप चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप इसका पूरा 1 scoop दूध में या पानी में डाल के ले सकते हैं, बट अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आप इसका आधा स्कूप, ये जो यहाँ पे स्कूप दिया हुआ है, उस स्कूप से आधा स्कूप पानी में या दूध में डाल के ले सकते हैं अपनी डेली प्रोटीन की जो इनटेक है उसे पूरा करने के लिए। सो मुझे इससे अभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें है शतावरी, इसमें है फ्लैक्सीड्स और इसमें है तुलसी, और ये तीनों ही हर्ब हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में ला, हॉर्मोन्स जो हमारे होते हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए, साथ ही साथ PCOD PCOS के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपने अगर आपको PCOD है तो आपने बहुत रिसर्च की होगी, कई जगह आपने पढ़ा होगा कि PCOD वालों के लिए शतावरी और फ्लैक्सीड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसमें वो दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो पर्टिकुलर फ्लेवर है ये चॉकलेट फ्लेवर है, हालांकि फ्लेवर मैं कहूँगी कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट पिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप पी नहीं पाएंगे, अजीब लगेगा, पिया जा सकता है, बट फ्लेवर मुझे इसका बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया। अगर आप इसको दूध में मिला के पीते हैं तो सही सही फ्लेवर है, बट अगर इसको पानी में मिला के पीते तो ठीक ठाक फ्लेवर है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं अपना शेक बनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। तो ये तैयार हो गया मेरा शेक। तो यार ये था मेरा वर्कआउट रूटीन, और वर्कआउट के पहले वर्कआउट में मैं क्या खाती हूँ। अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी रीजन से रुके हुए, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप योरसेल्फ, अपना वर्कआउट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, चाहे आप वेट लूज करना चाहते हो नहीं, क्योंकि कई बार इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट बीइंग फिट। और अगर आप अपने 20s में है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अभी से वर्कआउट करना स्टार्ट करें, क्योंकि आगे चल के ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप वेट लूज नहीं भी करना चाहते तो भी आप कोई सी भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती हो आप घर में 30-45 मिनट्स के लिए करिए। आप TV पर गाने चला कर डांस कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, लेकिन वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्कआउट करने के साथ साथ मैं घर का पूरा काम भी खुद ही करती हूँ। सो या अगर आप देखना चाहते हैं कि व्हाट आई ईट इन अ डे, स्पेशली
वो जिन्हें पीसीओडी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोटीन पाउडर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर।